पहले एक ही मंत्र के शब्द पढ़ते हैं ना, ए से एडी, ए से एडी की मात्रा कैसी होती है आपको पता था ना, खाली ऊपर सिंगल ऐसा, तो वो क्या होगी एक ही ए से एडी की मात्रा। आज अपन टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 48 पे कविता लिखी हुई है वो पढ़ेंगे। कविता गाय, ये कौन सी मात्रा की कविता है, ए से एडी की मात्रा की कविता है। ओके बच्चों, और इसको आपको अपने नोटबुक में भी लिखनी है। देखो ये कितनी अच्छी गुड़िया बनी हुई है, मेरी गुड़िया सबसे न्यारी, मेरी गुड़िया सबसे न्यारी। अब इसमें ए की मात्रा कहाँ आई है, पे पे, मेरी गुड़िया सबसे आया लिखा हुआ है। इसमें भी क्या है, कहाँ पे ए की मात्रा है, से पे, लगती है मुझे सबसे प्यारी। इसके बाल भूरे भूरे, इसके गाल फूले फूले, जब भी इसे सुनाती कहानी, करती रहती अपनी मनमानी, चाबी भरने पर चलती ठुमक ठुमक सबका मन हरती, गाती है धूम धूम का गाना, मुझे नहीं बाहर खेलने जाना। अभी एक ही माता के जो शब्द है करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी आई की मात्रा कैसे लगाते हैं। ए और आई की मात्रा में बहुत अंतर है, ठीक है ना। ये अपन ए की मात्रा सीखी थी तो क से लगाई थी, क्या बन गया के, ठीक है ना। म के लगे तो बन गया मे। आई की मात्रा देखो, ए से एडी, आई से एन, लेकिन आपको जो ये सिंगल मात्रा ऊपर दिख रही है ना, एक मात्रा, इसके ऊपर आई की मात्रा शब्द के ऊपर, अपन किसी भी वर्ण के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, आई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। फिर काई खाई ऐसे बोलेंगे। अब देखो अपन ने क के ऊपर लगाई तो क्या बन गया, काई खाई गाई गाई चाई चाई जाई जाई खाई गाई गाई नाई ताई खाई गाई नाई खाई खाई गाई गाई नाई पाई खाई बाई बाई मई। ये गाई लाई बाई शाई 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 ट्राई और क्या है। ये अपन किसकी मात्रा रखी है, आई से एन की, किसकी मात्रा है, आई से एन की मात्रा अपन ने लिखी है, ठीक है ना। अब इसको अपन